ये वेरिएबल समझ में आ गए थे तुम्हें, सुपर वेरिएबल, सुपर क्लास के वेरिएबल्स। अब बात करते हैं हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के बारे में। लेट सपोज मैंने एक क्लास बनाई, वेरिएबल्स थे हमारे कि एक क्लास है चाइल्ड क्लास, एक पेरेंट क्लास। पेरेंट चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कुछ वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे थे, है ना। तो हम क्या उसको यूज कर रहे थे, सुपर कीवर्ड को यूज कर रहे थे उनको एक्सेस करने के लिए, है ना। अगला टॉपिक डालो, रेफर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, रेफर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर मतलब इसमें थोड़ा सा लिख लो, इफ वी वांट टू रेफर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल्स हो गया था सर, एक कंस्ट्रक्टर दूसरा पॉइंट है ना। हाँ हाँ हाँ, सेकंड पॉइंट है रेफर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके अंदर लिखो टू रेफर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, यस सर, फ्रॉम चाइल्ड क्लास, फ्रॉम चाइल्ड क्लास बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। By using super keyword. हाँ, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है, सुपर और अंदर अगर आपकी लिस्ट है कुछ ऑप्शनल लिस्ट, जो भी आपकी लिस्ट है वो इसमें आप पास कर सकते हो, डेटा जो भी आपका एक तरह से आप डेटा। ये कंस्ट्रक्टर का है सर? हाँ, कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने का। तो कंस्ट्रक्टर सर इसमें क्लास तो आई नहीं, ये सिंटेक्स है, ये तो क्लास का जो नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है ना सर। हाँ, लेकिन हम सुपर से करा सकते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरी क्लास है एक ए, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। लेट सपोज एक ए बना रखा है नॉर्मल विदाउट वेरिएबल्स, विदाउट पैरामीटर सर। हाँ, विदाउट पैरामीटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज गोइंग पेरेंट नॉन मीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ठीक है, ये मैसेज आ गया आपका नॉन पैरामीटराइज थे। ठीक है, एक हम बना लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यस सर। लेट्स सपोज इसके अंदर हमने पास कर दिया आई, दिस मैसेज इज फ्रॉम पेरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, क्लियर है? यस सर। अब मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई बी, इसने क्या करा एक्सटेंड करा लिया ए क्लास को। अब इस बी क्लास के अंदर मैंने पहले तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। इसके अंदर से मैंने क्या करा ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा दिया यूजिंग सुपर कीवर्ड, सुपर की सुपर फंक्शन के थ्रू। इसके अंदर लेट सपोज मैंने पास कर दिया 100, 100 जैसे ही मैंने पास करा आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इंटीजर वैल्यू दिया, इंटीजर वैल्यू किस में इनपुट ले रहा है, इस वाले में, तो क्या कर देगा, दिस इज फ्रॉम पैरामीटराइज पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये आपका प्रिंट करा देगा। एक मैसेज इसके अंदर भी प्रिंट करा देता हूँ मैं, दिस मैसेज इज फ्रॉम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, टू क्लास बनाए, अब इसको एक क्लास और बनाते हैं इस नाम से, इसके अंदर हमने मेन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हमने क्या करा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, बी बी इज इक्वल्स टू न्यू बी। जैसे बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये हम चाहे तो लिखे चाहे तो नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमें किसी वेरिएबल में एक्सेस करना है तब हम उसको डिफाइन करते हैं। हमने क्या करा, न्यू बी, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसने क्या करा, सुपर जो भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर इंटीरियर वैल्यू पास हो रही है वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्लियर है? चला के देखते हैं इसको एक सेकेंड। चलाया हमने, टर्मिनल पे गए,
जावा सी, जावा और जावा ठीक है। इसमें आप देखो एक बार, इसमें देखो जो सुपर है, सुपर ने क्या करा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा और फिर उसके बाद क्या है, जो हमारा जो नॉर्मल मैसेज था उस मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर वो प्रिंट हो गया। क्लियर है सर? मेरे को एक चीज पूछनी थी, आपने दो कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों किए क्लास ए में, अगर अगर इंटीजर वैल्यू ही पास करवानी थी तो? अगर मैं इस तरह से कॉल करता तो क्या होता, मेरा ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता, या फिर अगर मेरे को वैल्यू पास करके करना है तो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता। दोनों एग्जांपल के लिए शो कराया मैंने कि आपको जो भी इसके अंदर से आपको कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है आप करा सकते हो, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। तो सर इसमें क्या कहते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटेंड करा लिया ना? मतलब फिर इसके अंदर मतलब सर क्या कहते हैं ये जो भी सुपर कीवर्ड, सुपर वेरिएबल, सुपर, आप ये मान के चलो बी क्लास है, बी क्लास के अंदर आपने ए क्लास को एक्सटेंड करा रखा है, जैसे ही आपका बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ए क्लास के जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको वो भी आपको उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे वेरिएबल्स हैं, कॉमन वेरिएबल्स अगर हैं तो उसको कैसे यूज करना है, कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कराना है, वो चीज़ें हम देख रहे हैं। क्लास ए के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे ना, जितने भी मेथड्स होंगे, आप डायरेक्टली बी के ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस कर सकते हो पहली बात तो। चलो इसको एक मिनट सर, एक मिनट बाद लिख लिया बस मैंने थोड़ा सा। सर क्या कहते हैं जैसे कि ये जो सुपर कीवर्ड है ये तभी यूज होगा जब क्या कहते हैं क्लास एक्सटेंड होगी। हाँ एक्सटेंड होगी तभी होगा, तभी तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनेगा। मतलब उसके बिना सुपर का कोई मतलब सुपर का कोई काम नहीं है जब तक एक्सटेंड नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिना सुपर के तो सर ऑब्जेक्ट बना के कंस्ट्रक्टर हो रहा था। हाँ फिर तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे क्लास है अगर आपने एक्सटेंड नहीं कराई तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा सर क्लियर है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए हम सुपर लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल लिख लिया ये? बस सर लिख लिया। ठीक है, अगला है आपका, हेडिंग डाल लो रेफर सुपर क्लास मेथड्स। ठीक है, रेफर सुपर क्लास मेथड्स। इसमें रेफर सुपर क्लास मेथड में लिखो, इफ यू वांट टू रेफर सुपर क्लास मेथड्स। If we want to refer super class methods, from child class, by using super keyword, super keyword, then we need to follow below syntax। syntax क्या है आपका,
सुपर डॉट मेथड नेम, और अगर कोई उसके अंदर डेटा पास हो रहा है तो वो ठीक है. सर कौन सा का है? ये सुपर डॉट मेथड नेम. सुपर डॉट मेथड नेम ठीक है सर. लिस्ट हाँ लिस्ट जो भी डेटा है इसके अंदर जो भी आप पास कर रहे हैं. मैंडेटरी नहीं है अगर आप पास कर रहे हो तो, नहीं पास कर रहे हो तो. ठीक है अब ये देखो क्लास ए है. क्लास ए के अंदर एक मेथड है ए वन नाम से. ठीक है ए वन नाम से वो क्या कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू को ले रहा है. ठीक है चाहे तो हटा देता है इसको. ये आपका एक मेथड है ए वन नाम से. ठीक है क्लास ए मेथड में और कंस्ट्रक्टर में फर्क क्या है? रिटर्न टाइप रिटर्न मतलब कंस्ट्रक्टर में रिटर्न नहीं देना पड़ता और मेथड में देना पड़ता है. मेथड में देना पड़ता है प्लस मेथड का नाम जो होता है वो डिफरेंट होता है कंस्ट्रक्टर के नाम से. मतलब कि सर जो क्लास का नाम होगा जरूरी नहीं हो मेथड का नाम हो. जो क्लास का नाम होगा हाँ मेथड का नाम डिफरेंट होना चाहिए क्लास के नाम से. और आपका एक तरह से अगर आपका कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा पहली बात. ठीक है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा. ठीक है अगर आपने क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम दे दिया लेकिन उसका रिटर्न टाइप दे दिया तो वो क्या बन जाएगा आपको एक मेथड बन जाएगा पहली बार. अच्छा अगर रिटर्न टाइप आ गया तो मेथड बन जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल फिर वो आपका डायरेक्टली कॉल नहीं होगा. और सर ये पहले कंस्ट्रक्टर से पहले आता है कि बाद में आता है मेथड कॉल? जैसे आप बता रहे थे ना पहले ब्लॉक इंस्टेंट ब्लॉक आता है. पहले ब्लॉक आता है हाँ इंस्टेंट ब्लॉक आता है फिर उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर आता है फिर मेथड जब आप कॉल कराते हो जब कॉल होता है मेथड. मेथड खुद से कॉल नहीं होता. मतलब खुद से कॉल नहीं होता. मेथड खुद से कॉल नहीं होता. ठीक है और सर कंस्ट्रक्टर और मेथड एक ही उसमें कॉल हो सकते हैं एक ही कोड में? हाँ हाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर से मेथड कॉल करा दो अगर दिक्कत है. अच्छा नहीं नहीं समझिए समझिए सर क्लियर है. इस जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसके अंदर मेथड कॉल करा दो. यस सर यस सर. अब इसको देखो क्लास भी है ए क्लास को एक्सटेंड कर रखा है. मेरे को ये मेथड कॉल कराना है ये मेथड कॉल कराना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे वेरिएबल्स होते हैं उसी तरह से हम कर सकते हैं या तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. ठीक है या फिर अगर मान लो कि इस क्लास के अंदर बी क्लास के अंदर ए वन नाम से पहले ही मेथड होता तो हम कैसे यूज करते हैं? सुपर डॉट ए वन. ठीक है या तो हम ऐसे कॉल करते या फिर इस तरह से कॉल करते. क्लियर है? अगर अच्छा दोनों तरीके सेम है आप किसी भी तरीके से कॉल करा सकते हो लेकिन अगर आपको सुपर एलियास के थ्रू यूज करना है तो आप इस तरह से कॉल करोगे सुपर डॉट. तो सर सुपर अगर दोनों ही तरीके सेम है तो सर सुपर का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? मैं बताता हूँ पहले इसको चला के देखते हैं. कंपाइल करा जावा Java 2.7.0.2 super methods. अरे फाइल का नाम तो चेंज कर दे क्लास का नाम चेंज नहीं करा. कंपाइल हो गया और उसके बाद रन होगा. ठीक है अब ये देखो ए वन भी कॉल करा इसने भी मेरे को सेम आउटपुट दिया. सुपर डॉट ए वन कॉल करा इसने भी मेरे को सेम आउटपुट दिया. ठीक है अब डिफरेंस क्या है दोनों में? लेट सपोज ये मान के चलो कि ये सेम मेथड आपका इसके अंदर क्लास बी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है इसको नीचे कर देते हैं ये आपका मेथड है कंस्ट्रक्टर के बाद. ठीक है अब आप इसको एक्सेस करना है अगर आपको क्लास का एक्सेस करना है तो फिर आप क्या करोगे डायरेक्टली एक्सेस करा सकते हो. एक चीज़ समझना ये जो ए वन है ये जो आपका नॉर्मल ए वन है ये क्या करता है पहले क्लास लेवल पे चेक करता है कि इस क्लास के अंदर तो कुछ नहीं है ए वन नाम से. अगर इसके अंदर कुछ नहीं है बी क्लास के लिए हाँ बी क्लास के अंदर पहले ए वन जो मेथड है वो चेक करेगा जब आप कॉल कराते हो ना तो ये पहले चेक करेगा कि इस क्लास के अंदर तो कुछ नहीं है. अगर इसको इधर मिल गया तो ये प्रिंट यूज कर लेगा. अगर इसको नहीं मिला तो कहाँ जाएगा पेरेंट क्लास में जाएगा. जैसे वेरिएबल बताया था ना मैंने लोकल वेरिएबल आपको और आपको सुपर के साथ यूज करके है ना सेम एज इट इज इसके अंदर है. अब देखो इस अभी तो देखो सेम दिया था अब देखो आपका डिफरेंट देगा. चला के देखते हैं. अब देखो अब क्या करा इसने पहले चाइल्ड क्लास से उठाया क्योंकि हम डायरेक्टली कॉल करा रहे थे क्योंकि इसको इस क्लास के अंदर मिल गया तो इसने क्या करा इसको कॉल करा लिया. लेकिन सुपर डॉट ए वन ने क्या करा पेरेंट क्लास के अंदर गया और उधर से उसने उसको एक्सेस करा. क्लियर है?
सर दिस इज फ्रॉम चाइल्ड। हाँ सर, पहले चाइल्ड वाला क्लास है, सुपर वाले में आपका पेरेंट वाला हुआ है। ठीक हाँ, है सर। और और फिर ये आपका जो इस क्लास कंस्ट्रक्टर का मैसेज था वो प्रिंट हो गया। अब मान के चलो अगर इसके अंदर ये मेथड नहीं होता, ये मेथड अगर इसके अंदर नहीं होता, तो A1 भी इस क्लास को, इस मेथड को कॉल करता पेरेंट क्लास के, और सुपर डॉट A1 भी इसी पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करता। दोबारा चला के दिखाते हैं, देखो चला ना, एरर नहीं आया कुछ भी। तो सर ये जो आपने लास्ट वाली लाइन आपने void A1, ये तो मैंने कमेंट कर दी ना अभी। मतलब सर इससे पहले इसका यूज क्या हो रहा था, मैं भूल गया था। देखो सेम मेथड अगर आपका पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में है, सेम मेथड कुछ भी नाम से हो सकता है, सम नाम से, लेट सपोज सम नाम से होता, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में अगर सेम है तो, और अगर आप चाइल्ड क्लास से कॉल करा रहे हो उसको, तो पहले वो चाइल्ड क्लास में देखेगा। अगर आप डायरेक्टली कॉल करा रहे हो मेथड को, क्योंकि यही होता है प्रोसेस, क्योंकि सर चाइल्ड क्लास में ही तो है वो। हाँ चाइल्ड क्लास में था पिछले केस में, तो क्या करा उसने, इस मेथड को कॉल करा दिया, पेरेंट क्लास में गया ही नहीं वो। ठीक है, लेकिन जो सुपर डॉट A1 था उसने क्या करा, डायरेक्ट पेरेंट क्लास में चेक किया, है ना। ठीक है, ठीक है सर। और अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया तो ये A1 जो है ये बिहेव करेगा डिफरेंटली। कैसे करेगा, पहले तो बी क्लास के अंदर देखेगा, कुछ नहीं मिला इसको, फिर इसकी पेरेंट क्लास में चला जाएगा। अगर A1 अगर आपका इसमें क्लास के अंदर नहीं है तो वो पेरेंट क्लास के अंदर भी सर्च करता है। समझ में आया? दो एग्जांपल है एक तरह से, एक क्लास आपका जो चाइल्ड क्लास के उसके अंदर सेम मेथड हो, और एक क्लास आप एक आपका पेरेंट क्लास के अंदर मेथड हो। ये अभी हम बाद में आएंगे, वैसे पॉलीमॉर्फिज्म अगला टॉपिक है, उसके अंदर हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया, A1 कैसे कॉल करा इसने और सुपर डॉट A1 ने कैसे कॉल करा इसको। आगे सर आगे। ठीक है चलो, अब इसके अंदर अगला टॉपिक डाल दो। सर आपने मेन मेथड बनाया नीचे सर बाद में। हाँ वो एक अलग क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पिछली वाली में भी था अगर पिछले वाले में। यस सर। ठीक है, तो सर ये क्या कहते हैं, अगर हम ये नहीं बनाते ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हम सर, कोड हमारा मेन से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो कुछ कॉल नहीं होगा। जो तीन जो चीज कॉल कराओगे वही चीज तो प्रोसेस होगी। अगर हम मेन के अंदर अगर हम कुछ नहीं लिख रहे तो क्या होता, कुछ कॉल कुछ ये कंस्ट्रक्टर वाले में भी था सर, मेन मेथड है ना। हाँ हाँ उसमें भी था। ठीक है, पुराने वाले को भी देखते हैं, ये रहा ना, ये रहा। ठीक है, इसको इस तरह से अगर इसमें नहीं लिखा है तो इसको भी लिख लो, अगर कुछ मिस हो गया इसमें। इसमें सर ये लास्ट वाली तीन लाइन मिस होंगी। ठीक, हाँ सर मिस है। Yes, इसमें भी देख लो अगर सुपर मेथड में अगर कुछ मिस हो रहा है। क्लियर है सर। ठीक है, अगला टॉपिक डाल लो इसके अंदर, क्लास लेवल टाइप कास्टिंग। ठीक है, क्लास लेवल टाइप कास्टिंग, क्लास लेवल, हाँ क्लास लेवल टाइप कास्टिंग। क्लास बनाई, लेट्स सपोज मैंने क्लास बनाई क्लास ए, और मैंने एक क्लास बनाई क्लास बी, इसने क्या करा एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को, और इसके अंदर मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी बी इज इक्वल्स टू न्यू बी, मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया ए क्लास से। क्या हो गया, एरर क्यों दे रहा है?
वो सब सेव करने पे गायब हो जाएगा मेरी समझ से जो आप एरर एरर ऑन टोकन डिलीट दिस टोकन एक्सटेंड ए बी बी इक्वल्स टू न्यू बी पता नहीं क्यों एरर दे रहा और ए ए इज इक्वल्स टू बी कभी भी एरर दे रहा है कोई किस नाम से बनाई है सब कुछ तो सही है जावा ही चल रही है चला के देखते हैं कभी कभी ये शो करता है कंपाइलर ये क्या चीज है ये चला के दिखाता हूँ मतलब जावा सी कंपाइल करा सर आपने मेरे ख्याल से न्यू नहीं डाला है या फिर न्यू तो डाला है मैंने इसके नीचे वाले में सर वो भी तो ऑब्जेक्ट ही है आपने ए का बनाया नहीं 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 टाइप कास्ट कर रहा था मैं इसको हेडिंग डाल लो अपकास्टिंग पहले हेडिंग डाल लो अपकास्टिंग यस सर क्लास लेवल टाइप कास्टिंग लिख लिया था यस सर ठीक है उसके अंदर पहले लिख लो द प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम द प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन यूजर डेटा टाइप एक मिनट सर द प्रोसेस टू कन्वर्ट From one user data type to another user data type to another user data type yes sir is called type casting yes sir ठीक है इसके अंदर heading डाल लो there are two types of type casting sorry there are two types of user defined type casting there are User defined. हाँ, two types of user defined typecasting. पहला लिखो upcasting. दूसरा लिखो downcasting. पहला सर upcasting. दूसरा downcasting. इसमें पहला पॉइंट डाल लो upcasting. Yes, sir. इसके अंदर लिखो द प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम द प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम चाइल्ड टाइप टू पेरेंट टाइप इज कॉल्ड अपकास्टिंग is called upcasting ठीक है इसका एग्जांपल ये है इसमें क्या कर रहा है हमने देखो क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया और हम क्या कर रहे हैं इस बी के ऑब्जेक्ट को ए टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है बी का ऑब्जेक्ट बनाया क्लास बी का ऑब्जेक्ट है बी बी इज इक्वल्स टू न्यू बी और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं ए टाइप में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्यों सर मतलब कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम इसकी टाइप कास्टिंग कर रहे हैं जैसे हम इंटीजर को फ्लोट में करते हैं फ्लोट को इंटीजर में करते हैं उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं जो चाइल्ड क्लास है चाइल्ड क्लास के डेटा टाइप को क्लास बी से कन्वर्ट कर रहे हैं क्लास ए टाइप में अच्छा सर मतलब क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है हाँ उसका टाइप ऑब्जेक्ट का टाइप चेंज कर रहे हैं क्लास बी के ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप टू क्लास ए लिख लिया यस सर लिख लिया ठीक है ये सिंटैक्स एक बार ये एग्जांपल लिख लो छोटा सा ये तो सर लिख लिया मैंने लिख लिया चल अब इसको एक बार चला के देखते हैं इसमें एक एग्जांपल थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसके अंदर लेट्स सपोज क्लास ए है इसके अंदर मैंने क्या करा एक मेथड बनाया ए वन इसके अंदर मैंने कुछ प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है ना हेलो फ्रॉम
सुपर क्लास, ठीक है। क्लास बी के अंदर मैंने क्या करा, एक मेथड और बना दिया थीटू नाम से, हेलो फ्रॉम चाइल्ड क्लास, कह रहा है बी भी, कह रहा है क्लास बी, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास सब कुछ भी बोल सकते हैं ना। हाँ, ये जो ए है हमारा ये सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास, और ये जो हमारा बी है ये हमारी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो एरर क्यों आ रहा है, इसका सिंटैक्स एरर ऑन टोकन, दिस डिलीट दिस टोकन, क्या मिस हो रहा है इसमें, सब तो ठीक है वैसे, और तो बिल्कुल सही है। बी 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 को सुनियो भी, अगर मैं इसको हटाऊं तो इधर आ रहा देगा, सर वो रन करते हुए देखिए वो क्या दिक्कत बताएगा करने में, एक सेकंड इसको हटाते हैं, मेन लेते हैं ना पहले इसका, ठीक है ना। क्लास लैग कर रहा है क्या आपका, इसके अंदर मैंने, ठीक है, अब इसको मैंने टाइप कास्ट करा, लेट्स सपोज पहले प्रिंट कराते हैं कुछ मैसेज, बी डॉट ए वन, बी डॉट ए टू, पता है हम डायरेक्टली भी कॉल करा सकते हैं और सुपर के साथ भी अंदर से, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ए क्लास का मतलब बी है, बी को मैंने टाइप कास्ट करा ए में, ठीक है, और इससे मैंने कॉल कराया ए डॉट ए वन, सॉरी ए डॉट ए टू, हाँ ए वन, अभी केवल ए वन कराते हैं, कंपाइल करा, जावा सी दिस डॉट जावा, क्या हो गया भाई, मर गया सर, मुझे लगता है कि कभी कभी मेरे में भी आ जाता है सर ये लैगिंग का इशू, तो विजुअल कोड में भी दिक्कत है क्या, ना ना वो जो आपका प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर मरने लगता है धीरे धीरे सर, आपका आईपैड है और मेरा भी अच्छा खासा प्रोसेसर है, हाँ तो मर रहे हैं क्या करें भाई, ठीक है। इसमें देखो मैंने क्या करा, बी डॉट ए वन कॉल कराया, तो इसने क्या करा, हेलो फ्रॉम सुपर क्लास, ए वन किस में था, सुपर क्लास में था, मैंने क्या करा ए टू को कॉल कराया जी चाइल्ड क्लास में था, ये मैसेज निकल दिया हेलो फ्रॉम चाइल्ड क्लास। अब मैंने क्या करा, ए बी जो ऑब्जेक्ट था, बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसको टाइप कास्ट कर दिया पेरेंट क्लास में, है ना, ए टाइप में मैंने टाइप कास्ट कर दिया, जो बी ऑब्जेक्ट है उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया ए टाइप में, यस सर, पेरेंट क्लास के टाइप में, और वेरिएबल जो बनाया मैंने, जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया उसका नाम दे दिया ए, ए से मैंने ए वन को कॉल कराया, इसने मेरे को दे दिया हेलो फ्रॉम सुपर क्लास, ठीक है। ए टू को कॉल क्यों नहीं करवाया सर, मैं उसको भी कॉल कराता हूँ, ए डॉट ए टू, ए टू को कॉल कराया इसने, ये क्या देगा मेरे को भैया, एक सेकंड कंपाइल हो जा, इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया, ठीक है। इसने एरर क्या दे दिया, मेथड ए टू वेरिएबल ए ऑफ टाइप ए, ठीक है, ए टू को ये एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो आपका है टाइप कास्ट हो गया ए टाइप में, अभी आपका ये जो ए टू है ए टू को एक्सेस नहीं कर सकता, क्यों सर, मतलब ए वन को एक्सेस कर सकता, तो ए टू में डिफरेंस क्या है, ए वन जो है आपका ए क्लास के अंदर है,
और ई टू जो है आपका बी क्लास के अंदर। एरर देखो आपने क्या लिखा है, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल ए टू, इसको ए टू ही नहीं मिल रहा। तो सर ए टू को हम रन अगर करवाना चाहें टाइप कास्टिंग के द्वारा तो कैसे होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या करा, पेरेंट क्लास के टाइप में कन्वर्ट हो गया। अब पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को ये एक्सेस कर सकता है, लेकिन चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका टाइप कन्वर्जन किसमें होगा, पेरेंट में। तो सर टाइप कास्टिंग जो है कि केवल पेरेंट के लिए है, चाइल्ड के लिए नहीं है? हाँ, केवल आप इससे पेरेंट के आप ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज को आप ले सकते हो। ओके सर, क्लियर है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक मिनट सर मैं लिख लूँ, ऊपर कर दीजिए जरा, एक सेकंड ये डाल देता हूँ इसमें। ओके सर, लिख लिया। अगला टॉपिक डाल लो इसके अंदर, डाउन कास्टिंग। इसी के अंदर था ये अप कास्टिंग था, अब एक डाउन कास्टिंग का देख लो। डाउन कास्टिंग, इसमें लिखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम, converting data from super class data type, super class data type to child class data type, to child class data type is called downcasting. It's called downcasting. Yes sir. ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। डाउनकास्टिंग में सर क्या चाइल्ड क्लास का होगा इसमें? डाउनकास्टिंग में सर इसमें सक्सेस नहीं है, इसके अंदर क्या होता है, ये दिक्कत देता है। चला के दिखाता हूँ, पहले क्लास ए है, क्लास बी है। अब मैंने क्या करा कि भाई क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने क्या करा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया। वही हट जाओ, ए ए इज इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, इसको टाइप कन्वर्ट करा मैंने बी टाइप में, ठीक है, बी बी इज इक्वल्स टू ए। इसमें भी आपका देखो डिफरेंट ऑर्डर हो गए आर्गुमेंट के, पहला इंटीजर हो गया, दूसरा फ्लोट हो गया, इसमें पहला फ्लोट हो गया, दूसरा इंटीजर हो गया। अगर आप नॉर्मल कोई मेथड बनाओगे ऐड नाम से और उसके अंदर दो वैल्यूज दोगे इंटीजर टाइप की, दूसरे में भी इंटीजर टाइप की दोगे, तो वो क्या होता है, नॉर्मली मेथड बोलेगा कि दिस मेथड इज ऑलरेडी एक्जिस्टिंग, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो आपको एरर नहीं आ रहा, इस केस में एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आपके सपोर्ट करते हैं। यानी कि सर फ्लोट और इंट भी एक साथ एक पैरामीटर में उनकी वैल्यू रख दो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, इंट फ्लोट नहीं, डिफरेंट डेटा टाइप्स, इंट फ्लोट स्ट्रिंग बाइट बुलियन जो भी है, अगर आपके डेटा टाइप्स डिफरेंट हो गए तो आपका केस थ्री सेटिस्फाई करता है, ये आपका मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो भी आपका मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा, डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं तो वो भी आपका मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इस केस को लिख लो, अगर लिखना है तो करेंगे, नीचे करिएगा, ऊपर करूं नीचे करूं? नहीं नहीं पूरा करें ऐसे ही बस, इंट और फ्लोट करके। लिख लिया,
सर बस मेरी लिखो लिखो। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, कौन सा कहाँ यूज होता है, ये सारा चीज एक बार पढ़ना होगा बाद में। क्लियर है सर, तीन केस को। अच्छा सर, जो हम फ्लोट लिखा है हमने, जैसे हाँ फ्लोट की 10 पॉइंट में भी डालनी पड़ेगी। हाँ फ्लोट डेसिमल वैल्यू दोगे तभी तो वो डेसिमल में कन्वर्ट होगी, वरना वो एरर देगा। यस सर, हाँ समझ। चला के देखना, ये लास्ट वाले दो मैंने एग्जांपल छोड़े ना। लगाना जरूरी होता है सर? क्या एफ पीछे लगाना जरूरी होता है फ्लोट में? हाँ एफ लिखना पड़ता है। केस तुम चला के देखो, एफ हटा के देखो, N20 पास करके देखो इसके अंदर, ये जो लास्ट वाले दो केस है एंटी फ्लोट और फ्लोट इंट, इन दोनों का सम करा के देखो, फिर मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, है ना, मेरे को बताओ कि भाई क्या एरर आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। ये तो मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, इनको ट्राई करके देखो इतना। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ठीक है, अगला टॉपिक डालो, ये मेथड ओवरलोडिंग था, अगला टॉपिक डालो मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवर राइट राइडिंग, हाँ सर। राइडिंग क्या स्पेलिंग है? OVER और राइडिंग, RIDING। अच्छा राइडिंग, हाँ ओके सर। इसके अंदर लिखो मेथड ओवर राइडिंग में लिखो, व्हेन वी हैव सेम फंक्शंस, व्हेन वी हैव सेम फंक्शंस यस सर इन पेरेंट क्लास एज वेल एज इन चाइल्ड क्लास, एज वेल एज इन चाइल्ड क्लास, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। That process is called as method overriding. Yes, sir. ठीक है, इसमें आगे लिखो, in this case, in this case, yes, sir. method of class whom, 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 yes, sir. We create object. Whom we create object, yes sir, is called as default. ठीक है, yes sir। देखते हैं, एक क्लास बनाई मैंने, लेट सपोज पेरेंट, इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया, लेट सपोज डिस्प्ले, void डिस्प्ले, और इसके अंदर मैंने सिस्टम ठीक है। अभी एक मैंने क्या करा, सेम मेथड बनाया चाइल्ड क्लास के अंदर, क्लास चाइल्ड, उसके अंदर मैंने क्या करा, चाइल्ड क्लास, एक मैंने और मेथड बनाया
सर ये क्लास बनाई, वही एक क्लास बनाई मैंने, और इसके अंदर मैंने मेन बनाया उससे पहले। बताओ क्या क्या गड़बड़ है इसके अंदर, बताओ कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है सर। चलो इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड दी। अब बताओ स्टेप बताओ, ये तो मैंने कर दिया सॉल्व है ना, अब इसमें बताओ क्लास डिस्प्ले वन, डिस्प्ले वन या डिस्प्ले टू ऐसे कुछ कर लिया ना, ना ना ये तो हो गया ठीक है ना। अब क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को, सी क्लास का कैसे बनेगा बताओ। सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है सर, सी हाँ कैपिटल फिर स्मॉल सी इज इक्वल्स टू न्यू फिर बड़ा कैपिटल सी। हाँ ये जो स्मॉल सी इसकी जगह हम कुछ भी दे सकते हैं वैसे, ओ बी जे एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं ठीक है। अब सी डॉट मैंने डिस्प्ले कॉल कराया, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं वैसे पहले भी, तो अगर मैंने जैसे सी डॉट डिस्प्ले कॉल कराया तो ये किसका कॉल होगा, आपका चाइल्ड क्लास का ना कि पेरेंट क्लास का। क्लियर है ये? डॉट डिस्प्ले हाँ सर। ये एरर क्यों दे रहा भाई, डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले, चला के देखते एक मिनट मैं नहीं लगा रहा हूँ। इसी का एरर दे रहा था, टर्मिनल पर गया ठीक है, रन कराया देखो, दिस मैसेज इज फ्रॉम चाइल्ड क्लास ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ आपका, इसने चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट को कॉल करा, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं क्या, हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, लेट सपोज मैंने इसके अंदर से ये वाला कोड हटा दिया, मैंने कमेंट कर दिया, तो इस केस में क्या देगा आउटपुट, ये भी मैंने बताया था तुमको पहले, इस केस में क्या देगा आउटपुट, ये इसमें सर ए फिर पी क्लास नहीं एरर, चला के देखते हैं मतलब कोई नहीं देगा मेरे ख्याल से, तो कंपाइल हो गया विदाउट एरर मेरे हिसाब से, वजह भाई कंपाइल हो गया, रन कराते हैं क्या दिया इसने, दिस मैसेज फ्रॉम पेरेंट क्लास, दिस मैसेज इज फ्रॉम कैसे दिया इसने, जब कभी वो मेथड आपका चाइल्ड क्लास के अंदर होता है तो वेरिएबल वाला याद करो सीन, वेरिएबल याद करो, अगर वेरिएबल आपका चाइल्ड क्लास के अंदर है तो चाइल्ड क्लास का वेरिएबल एक्सेस करेगा, अगर नहीं है तो वो पेरेंट क्लास का एक्सेस करता था, मेथड का भी मैंने बताया था है ना, कॉल जरूर करेगा ना, कॉल करेगा अगर एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता तो एरर देगा ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइड, भले ही सर क्या कहते हैं मेथड बनना हो सी क्लास का, हाँ ऑब्जेक्ट भी सी क्लास का बनाया है, हाँ मतलब हमने ऑब्जेक्ट सी क्लास का बनाया पर उसका मेथड नहीं बनाया, तो ए वाले मेथड क्योंकि हमने एक्सटेंड करा रखा है ना उसको, हमने जो पेरेंट क्लास है उसको एक्सटेंड करा रखा है ना उसमें, हाँ इसलिए सर वो पेरेंट नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक्सटेंड नहीं करवा रखा होता तो, एक्सटेंड नहीं करवा रखा होता तो एरर देता, उसको मिलता ही नहीं, क्लियर है ये? एक बार एग्जांपल लिख लो इसका,
एक टॉपिक और है, उसके बाद हम खत्म करेंगे। लिख लिया? ठीक है। अगला टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट सर, एक मिनट तक कोई गेट पे आया है। ठीक है ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट हेडिंग डाल लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड फंक्शन। ठीक है।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड फंक्शन, इसके अंदर लिखो, हेडिंग डाल लो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके अंदर हेडिंग डाल लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज द क्लास विच कैन ओनली बी इनहेरिट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास विच कैन ओनली बी इनहेरिट, इनहेरिट इनहेरिट इनहेरिटेंस एक्सटेंड करा सकते हैं उसको, विच कैन ओनली बी इनहेरिट एंड वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, एंड वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, इसके आगे और लिखो, द क्लास विच इनहेरिट inherit the abstract class, the abstract class is called as concrete class, is called as concrete class, chunne ke liye pata nahi kitne rakhi thi, theek hai। The class which inherits the abstract class is known as concrete class। ठीक है, इसके आगे लिखो, concrete class has to define, concrete class has to define, yes sir, the body of all abstract functions, the body of all functions, abstract functions, abstract functions, yes sir। इसमें आगे लिखो, इफ अ क्लास इज हैविंग, इफ अ क्लास इज हैविंग एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, इफ अ क्लास इज हैविंग एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन देन दैट क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट, देन दैट क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। But vice versa is not possible। क्या सर? But vice versa, उसका opposite possible नहीं है। But vice versa is not possible। Vice क्या सर? Vice versa मतलब reverse। अच्छा, ठीक है। अगर कोई class के अंदर abstract function है तो वो class आपकी क्या कहलाएगी? Abstract class ही कहलाएगी। लेकिन अगर कोई class के अंदर let suppose कोई abstract class है तो उसके अंदर आपका एक तरह से मान लो कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होना ही चाहिए। बट वाइस वर्सा की बात क्या था सर? इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, ठीक है। इसके आगे एक हेडिंग और लिख लो सब हेडिंग, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। इसके आगे एक हेडिंग और लिख लो, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के अंदर लिखो, दीज आर दोज फंक्शंस विच आर फॉलोड बाय सेमीकोलन, दीज आर दोज फंक्शंस विच आर फॉलोड बाय सेमीकोलन, विच आर फॉलोड बाय सेमीकोलन। ठीक है, इसमें आगे लिखो, इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डज नॉट हैव बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डज नॉट हैव बॉडी। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं। मैंने एक बनाई क्लास बीवी ड्राइवर नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, एक बनाया मेथड पब्लिक void get driver, हम इसे पब्लिक पे लगा दिए, इसके लगा सकते हैं,
स्टार्टिंग में बताया था मैंने, चाहो तो लगाओ चाहो तो मत लगाओ। यस सर। इसके अंदर लिख दिया मैंने टाइपन ड्राइवर। ये सर एग्जांपल किस चीज का है? ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है, तो उसको थोड़ा सा यूज केस बता रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है। एक मैंने क्लास बनाई, लेट सपोज न्यू डीवी ड्राइवर एब्स्ट्रैक्ट्स, डीवी ड्राइवर। इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने एक्सटेंड कराया, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक और अपना मेथड बना दिया। लेट सपोज टाइप टू ड्राइवर। अब मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर सिंपल इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और टैब फर्स्ट कर दिया इसको डायरेक्टली। आपने एक ऑब्जेक्ट में दोनों वो लगा दिए। ऐसे कर सकते हैं, देखो ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ए ए इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या करा, इसको टाइप कास्ट कर दिया। अरे भाई आजा, मतलब सेम ही है वैसे तो, पुराने कोड जैसा ही है। यस सर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या करा, ड्राइवर डॉट गेट ड्राइवर। हमने क्या करा है, डेटाबेस मान लो या कोई भी एक सर्विस मानो, हमने क्या करा है, एक पेरेंट क्लास बना रखी है, एक चाइल्ड क्लास बना रखी है, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, दोनों ने मतलब एक बेसिक है कि भाई ड्राइवर्स होते हैं सब में, तो इसने क्या करा, पेरेंट क्लास के अंदर भी सेम मेथड है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी सेम मेथड है। हमने क्या करा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको टाइप कास्ट कर दिया पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में, पेरेंट क्लास में करा है, और ड्राइवर को हमने कॉल कराया है। फिर जब हमने पेरेंट को कॉल कराया है तो देखते हैं कि आउटपुट आता है पहले इसका, जावा सी और उसके बाद जावा और। ठीक है, इसने क्या करा, जो आपके चाइल्ड क्लास का ड्राइवर्स थे उसको कॉल करा लिया है। ठीक है, हमने क्या करा, चाइल्ड क्लास था, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डीवी ड्राइवर बन गया हमारा। अब इसने गेट ड्राइवर कॉल करा, टाइप टू ड्राइवर हमें मिल गया। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो पेरेंट क्लास का जो गेट ड्राइवर मेथड है इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब इसके आगे एक चीज लिख लो, इस एग्जांपल के लिए जगह छोड़ दो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसके लिए जगह छोड़ दो, इसके आगे लिखो इन द अबव एग्जांपल, मतलब इसके आगे लिखूं तो, हाँ इस एग्जांपल के लिए जगह छोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे लिखो इसमें इन द अबव एग्जांपल
इन द अबव एग्जांपल मेथड ओवरराइडिंग इज इंप्लीमेंटेड. मेथड ओवरराइड हो रहा है. In the above example, method overriding is implemented and superclass method calls JVM टू एग्जीक्यूट चाइल्ड क्लास मेथड. सुपर क्लास का मेथड ने क्या करा, चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करा है, नॉट द सुपर क्लास मेथड. सुपर क्लास मेथड ने क्या करा, सुपर क्लास मेथड कॉल्स JVM, जिसने क्या करा, चाइल्ड क्लास मेथड को कॉल करा है. ठीक है. इन मेथड ओवरराइडिंग, इसमें आगे लिखे, इन मेथड ओवरराइडिंग JVM execute only child class method. JVM execute only child class method, not the super class method. Executing only child class method, not the super class method. ठीक है. मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, JVM जब भी एग्जीक्यूट करता है क्या करता है, चाइल्ड क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट करता है, ना कि पेरेंट क्लास के मेथड को. तो इसमें आगे लिखो, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू मैनेज बॉडी ऑफ पेरेंट क्लास मेथड. It is not advisable to manage body of parent class method. ठीक है. जब हम इस मेथड को कॉल ही नहीं करा रहे, जो पेरेंट क्लास का मेथड है, तो हमें इसकी बॉडी को डिफाइन करने का क्या मतलब. ठीक है ना. इन सच केसेस, इसी के आगे लिखो, इन सच केसेस If we do not want to define the method body, If we do not want to define the method body, then we can define it as abstract method. If we do not want to define the method body, then we can define it as abstract method. ठीक है? Yes, sir. And if we want to declare abstract method, then the respective class should be abstract class. ठीक है. सेम कोड है, बस मैंने क्या करा, जो पेरेंट क्लास थी उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, और जो मेरा गेट ड्राइवर मेथड था उसकी मैंने बॉडी हटा दी, क्योंकि वो बॉडी यूज में ही नहीं आनी थी. ठीक है ना. तो अब मैं क्या करूँगा, इसको चला के दिखाता हूँ एक बार. java.c example.java कंपाइल हो गया, और उसके बाद रन और करा देगा जावा और मैथड. चल गया, सेम टू सेम चल गया. यस सर. अब इसमें देखो, हमने क्या करा,
जो पेरेंट क्लास थी उसकी हमें किसी मेथड की जरूरत नहीं थी, हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया ताकि ये मेथड डिफाइन हो जाए। मैंने आपको कुछ पॉइंट पहले लिखवाए थे, अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमने नहीं बनाया है, ठीक है। हमने क्या करा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और जब कभी भी कोई चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको एक्सटेंड करती है, अगर कोई चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको एक्सटेंड करती है, तो जो भी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसकी बॉडी को डिफाइन करना होता है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसकी बॉडी को डिफाइन करना होता है, भले यूज में लो या ना लो, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो ये क्या देगा, सॉरी, अगर मैं इस कोड को कमेंट कर दिया और इसको कमेंट कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट ड्राइवर इन डीवी ड्राइवर क्लास, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर ये मेथड होना चाहिए क्योंकि इसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करा रखा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कराने का मतलब ये होता है जो भी इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनकी बॉडी उसको डिफाइन करनी ही पड़ेगी, भले ही वो यूज में ले या ना ले, ठीक है। यस सर, इस एग्जांपल को लिख लो एक बार, आज का सेशन यही खत्म करते हैं।